हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस पर। और दोस्तों लेकर हूं आपके लिए वे जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, जैसे कि आपको भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसके रिलेटेड आपको डेली वीडियो मिल जाते हैं शाम 7 बजे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करते हो तो आपको अपने रिटन एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को बता दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर कम से कम 15-20 वीडियो अपलोड किए हैं जो कि भारत के राज्य व्यवस्था और संविधान से, भारत का इतिहास और भारत के भूगोल से रिलेटेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर प्लेलिस्ट में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सभी वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के, आज जिसमें ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे, आंदोलन पढ़ेंगे, 1857 का आंदोलन पढ़ेंगे, सारे जितने भी इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन से यानी कि 191 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 191 है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। उत्तर रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है 192, भारत में सर्वप्रथम कौन आए? उत्तर है इसका पुर्तगाली। नेक्स्ट 193, बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर शाह आलम सेकेंड। नेक्स्ट है 194, भारत में तंबाकू की खेती का श्रेय किसे जाता है? उत्तर पुर्तगालियों को। नेक्स्ट 195, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्सली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी एलियंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? उत्तर दोस्तों आपको इसका नीचे मिल जाएगा, उत्तर है इसका बी, कर्नाटक का नवाब। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं और क्वेश्चन हमारा आता है 196, तीसरे एंग्लो मैश्योर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? उत्तर है श्री रंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 197, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? उत्तर 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट 198, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड कनिंग। दोस्तों पहले जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था उसके बाद उसे ही वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि गवर्नर जनरल को ही बाद में वायसराय कहा जाने लगा, और जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कनिंग थे, और जब वायसराय में तब्दील हुआ गवर्नर जनरल तब लॉर्ड कनिंग ही थे, इसलिए जो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग हो जाता है और पहला वायसराय भी लॉर्ड कनिंग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 199, राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस किसके द्वारा लागू की गई थी? उत्तर डलहौजी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हड़प नीति जब्ती सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। ये क्या था, जितनी भी जमीन भारत में बेकार पड़ी थी यानी कि जिस जो किसी के हक में नहीं थी उसे अप उस पर कब्जा करना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस था यानी कि जब्ती सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट है 200 क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? उत्तर वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है 201, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लिया गया है यह भी। उत्तर इसका कार्नेवलिस। नेक्स्ट है 202, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर आपको नीचे मिल जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक।
नेक्स्ट है हमारा 203, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। उत्तर है इसका ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है 204, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? उत्तर डी वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है 205, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है 206, भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? उत्तर मेयो। नेक्स्ट 207, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? उत्तर लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है 208, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका था? यह भी दोस्तों इंपोर्टेंट है, लेकिन इसका आंसर जो है कार्ल मैक्स। नेक्स्ट है हमारा 209, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने वो करने का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका उत्तर दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या है, उत्तर इसका बी, सॉरी बी, हाँ बी ही है इसका उत्तर, रिपन, रिपन। नेक्स्ट है हमारा 210, शायद लास्ट क्वेश्चन हो सकता है आज का, दादा भाई नेहरू जी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? उत्तर धन के निकाय। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है दादा भाई नेहरू जी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? उत्तर है इसका धन के निकास, सॉरी धन का निकास। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से टफ हैं। आपने पहले कुछ ही लोग होंगे जो इनका आंसर जानते होंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि दोस्तों आज थोड़े से अलग थे क्वेश्चन, थोड़े से हटके था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले आपके यूपी पुलिस रिटन एग्जाम, आरपीएफ, वीडियो और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, कल हम जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन होंगे, 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसके होंगे, और आगे के जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन, जितने भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम वो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।